दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RD एजुकेशन में इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में कुछ जानकारियां तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले 11 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं। नंबर वन इंग्लैंड में किसानों ने 12 जून तेरह में विद्रोह किया था नंबर सेकंड न्यू एमस्टर्डम कानूनी तौर पर 12 जून सोलह में ब्रिटेन का हिस्सा बना और यॉर्क के ड्यूक के नाम पर इसका नाम न्यूयॉर्क रखा गया नंबर थर्ड पोप एलेक्जेंडर की जगह 12 जून सोलह में, में इनोसेंट पोप बने नंबर फोर 12 जून सत्रह में कर्नाटक में चंदा साहेब ने आत्मसमर्पण कर लिया था नंबर फिफ्थ अमेरिका में 12 जून सत्रह 30 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा कानूनी पारित की गई थी नंबर नेपोलियन बोनापार्ट ने 12 जून 1812 में रूस पर हमला किया था नंबर सेवन फ्रांस ने 12 जून 1830 में अल्जीरिया के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी नंबर एट उत्तरी आयरलैंड के आरमार्ग में 12 जून अठारह निवासी को ट्रेन दुर्घटना में अठासी लोग मरे थे नंबर नाइन जनरल एमिलियो ओगिनाल्डो ने अठारह में 12 जून स्पेन से पुर्तगाल के स्वतंत्रता की घोषणा की थी नंबर टेन ब्राजील ने 12 जून 1926 में लीग ऑफ नेशन से बाहर आने का फैसला किया था नंबर 11 सोवियत यूनियन में 12 जून 1937 को आठ आर्मी वालों को मारा गया था नंबर 12 तत्कालीन सोवियत संघ ने 12 जून उन्नीस में जापान के साथ शांति संधि को अवैध घोषित किया था नंबर थर्टीन दक्षिण अफ्रीका में उन्नीस सौ बारह जून को रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को कैद की सजा सुनाई थी नंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बारह जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी करार दिया था नंबर फिफ्टीन ब्रिटिश चुनावों में 12 जून उन्नीस मार्गरेट थैचर की तीसरी बार ऐतिहासिक विजय हुई थी नंबर 16 रूसी सांसद ने 1990 बारह जून में औपचारिक रूप से रूस की संप्रभुता की घोषणा की थी नंबर 17 बोरिस येल्सिन 12 जून उन्नीस में तत्कालीन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने नंबर 18 दुनिया के सबसे बड़े टीवन जेट विमान बोइंग 777 ने 12 जून उन्नीस में, में पहली बार उड़ान भरी नंबर 19 भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय 12 जून उन्नीस में लिया नंबर ट्वेंटी पाकिस्तानी रक्षा बजट में उन्नीस को लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि ईस्ट तिमोर के लिए मिशन हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्वीकृति दी गई थी नंबर 21 सीमा मुद्दे पर 12 जून 2001 में भारत बांग्लादेश वार्ता शुरू हुई थी नंबर 22 स्वीडन के साथ मैच ड्रॉ होने के साथ ही 12 जून 2002 में अर्जेंटीना विश्व कप फुटबॉल से बाहर हो गया था नंबर 23 विश्व बाल श्रम निदेश दिवस की शुरुआत 12 जून 2002 को हुई थी नंबर 24 फोर सवन्ना यानी कि जॉर्जिया में समूह एट सम्मेलन 12 जून 2004 को संपन्न हुआ था नंबर ट्वेंटी फिफ्थ अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने 12 जून 2004 में उत्तरी कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग द्वितीय के साथ सीधी बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया था नंबर 26 कनाडा में होने वाली जीव विज्ञान ओलंपियाड में 2007 12 जून को चार भारतीयों का चयन किया गया था नंबर 27 ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में 12 जून 2007 को सिख छात्रों को धार्मिक प्रतिकृपाण रखने की इजाजत मिली थी नंबर 28 दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ वर्ष 2009 छठी सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी 12 जून 2008 में सौंपी गई थी नंबर 29 प्रख्यात फिल्म निदेशक मृणाल सेन को बारह जून 2008 में दसवें ओशियान सिनेफेन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया था नंबर थर्टीन साइना नेहवाल ने 12 जून 2016 में दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था अब बात करते हैं 12 जून को जन्मे हुए व्यक्तियों के बारे में नंबर वन जर्मनी प्रसिद्ध लेखिका एनी फ्रेंक का जन्म 12 जून उन्नीस में हुआ था जिसकी डायरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है नंबर टू मशहूर नाट्यम नर्तकी और अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म 12 जून 1932 में हुआ था नंबर थ्री भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 12 जून उन्नीस में हुआ था नंबर फोर पाकिस्तान के मशहूर बल्लेबाज जावेद मियादाद का जन्म 12 जून उन्नीस में हुआ नंबर फिफ्थ भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक श्यामा का जन्म 12 जून 1935 को हुआ था नंबर सिक्स मराठी अभिनेत्री शर्मिली जयश्री तलपड़े का जन्म 12 जून 1932 में हुआ था अब बात करते हैं 12 जून को हुए निधन के बारे में नंबर वन महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक श्री बीजी तेंदुलकर का निधन 12 जून उन्नीस को हुआ था नंबर टू संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का, का निधन 12 जून 1976 में हुआ था नंबर थ्री मराठी लेखक पी एल देश का निधन 12 जून सन 2000 में हुआ था नंबर फोर अमेरिकी अभिनेता ग्रेकरी पेक का निधन 12 जून सन 2002 में हुआ था नंबर फिफ्थ पद्मश्री नेकचंद सेनी का निधन 2015 12 जून को हुआ था नंबर सिक्स ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का निधन 12 जून 2017 में हुआ था और दोस्तों बात करते हैं 12 जून के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है तो ये था दोस्तों 12 जून का इतिहास व ऐतिहासिक महत्व